Hello everyone. Welcome to Northeast PSC 10 Minute Special Series. In this video, I will be discussing a very important topic, Ajanta Caves. Universally recognized as masterpiece of Buddhist religious art. In this video, I will try to focus on few important facts regarding Ajanta Caves. Who made these caves? When were these caves made? These caves contain Paintings and rock-up sculptures. So, what are the features that are associated with these paintings and sculptures? So, we are going to focus on these important facts only. So, without wasting any further time, let's start. My name is Son kumboj and I take history current of environment classes. I have done my UGC net in history and I am teaching from 5 plus years. So Janta Caves lie in Maharasht. आर सीरीज ऑफ केव ट्वेंटी नाइन प्लस वन टोटल तीस केव मानी जाती है जिसमें से उनतीस कंप्लीट ट्वेंटी नाइन कंप्लीट बोली जाती है एंड वन इज इनकम्प्लीट सो दीज आर सीरीज ऑफ बुद्धिस्ट केव्स बुद्धिस्ट रिलीजियस केव्स दीज केव इंक्लूड पेंटिंग रॉक कट स्कल्पचर जो कि दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता है जो कि फाइनेस्ट एग्जाम्पल है एशियंट इंडियन आर्ट का खास करके एक्सप्रेसिव जो पेंटिंग्स हैं जो अलग अलग पोस्चर से अलग अलग जेस्चर से अलग अलग पोज से अलग अलग फॉर्म से बहुत सारे यूनिक इमोशंस को शोकेस केस करते तो ये जो केव्स हैं इनकी आर्ट इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए रिकमेंड किया गया इन 1983। तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में टोटल अभी तक 40 हैं, और ये लिस्ट बड़े। तो ये एक सीरीज ऑफ रॉक कट केस है जो महाराष्ट्र में लाई करती है जिसमें पेंटिंग है रॉक कट स्कल्पचर है और ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है और बुद्धिज्म के दोनों फेज यानी हीन यान और महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म दोनों से रिलेटेड एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो शहादरी रेंज वेस्टर्न घाट वघोरा नदी के ऊपर है ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र टोटल केव्स की बात करें तो 29, 1, 29 और प्लस ट्वेंटी तो मैंने ऑलरेडी बताया और बुद्धिज्म में भी अगर आप आर्किटेक्चर की बात करें तो दो टाइप के आर्किटेक्चर होते एक थे एक चैत्य जिसको हम मेडिटेशन हॉल कह सकते प्रेयर हॉल कह सकते हैं जहां पे मॉन्क्स बैठ के प्रेयर करते थे और अलोंग विद डेट बिहारास बिहारस वो रेस्टिंग हाउस है जहां पे मॉक्स जब थक जाते थे तो आराम करते थे तो ये जो अजंता केव यहाँ पे आपको चैत्यास भी देखने को मिलेंगे जैसा कि केव नंबर नौ नाइन दस टेन नाइनटीन एंड ट्वेंटी सिक्स नाइन टेन नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स ये चार चैत्य है यानी ये चार मेडिटेशन हॉल है चार प्रेयर हॉल है और ट्वेंटी नाइन बिहारा यानी ये पच्चीस रेस्टिंग प्लेस है और ये बहुत लंबे टाइम पीरियड तक डेवलप होती रही यहां तक कि यह अलग अलग डायनेस्टीज आई उन्होंने इनको पैटर्न नहीं दिया तो 200 बीसी से स्टार्ट होते हुए 650 एडी तक गया पैटर्न ही देने वाले में सतवनाज वाकत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कुछ रेफरेंस चालुक्यास के भी देखने को मिलते पहला फेज इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फेज वन जब फोकस था उन केव्स या उन आर्टिफैक्ट्स पे या उस कल्चर पे या उस कल्चर पे जो, ही जो कि हीनयान से एसोसिएटेड क्योंकि तब महायान पिक्चर में नहीं आया था यहां पे मेन जो वर्शिप का ऑब्जेक्ट है दैट इज स्तूप या और बाकी सारे सिंबल्स जो कि बुद्धा के साथ एसोसिएटेड है उनको बनाया गया एज अ पेंटिंग एज ए स्कल्पचर इस सहरा की अगर केव की बात करें तो नाइन टेन 12 13 एंड 15 ए जो केव्स हैं ये इसी एरा को रिप्रेजेंट करती हैं यानी ये वो एरा है जब गौतम बुद्धा खुद भगवान नहीं माने जाते थे तो उनसे एसोसिएटेड सिंबल्स की पूजा की जाती थी जिसमें स्तूप आते थे या अलग-अलग और सिंबल्स जो उनकी लाइफ के साथ एसोसिएटेड रहे थे उनकी पूजा की जाती थी फेज 2 जो कि एडी की 5वीं 6वीं शताब्दी 5th टू 6th सेंचुरी में आया ज्यादातर कॉन्ट्रीब्यूशन वकत और चालुक्यास का देखने को मिलता है और ये महायान बुद्धिस्ट फेज में देखने को मिलते है देखिए महायान बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ फर्स्ट ऑफ एडी फर्स्ट सेंचुरी एडी में पर ये एक्सपेंड करते करते इसको टाइम लगा एंड अजंता केव्स में जो इससे एसोसिएटेड केव्स बनी है उसको पेट्रोन दिया है वक़ा और चालुक्यास ने इनकी पेंटिंग्स की बात करें तो पेंटिंग्स की गई है यूजिंग फ्रेस्को पेंटिंग स्टाइल फ्रेस्को पेंटिंग स्टाइल का इस्तेमाल करके पेंटिंग की गई है तो फ्रेस्को पेंटिंग एक्चुअली में होता क्या फ्रेस्को पेंटिंग एंशंट और मिडिवल टाइम में होती थी एंड इसमें फ्रेशली मिक्स जो प्लास्टर है उसी पे पेंटिंग वगैरह की जाती थी दीवार पे डायरेक्टली दीवार पे डायरेक्टली मूरल पेंटिंग की एक टेक्निक है और ये अलग अलग दुनिया में की जाती थी तो एक थिन लेयर ऑफ जो प्लास्टर है उसी के ऊपर डायरेक्ट पेंटिंग की जाती थी यानी दीवार के ऊपर डायरेक्ट पेंटिंग की जाती थी इसको फ्रेस्को पेंटिंग कहते जो आउटलाइन है वो रेड कलर से की जाती थी पर इसमें आपको ब्लू कलर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा एब्सेंस देखने को मिलेगा जितने भी ये पेंटिंग्स हैं जनरली थीम्ड अराउंड थी बुद्धिज्म के बुद्धिज्म में भी खासकर बुद्धा और उनकी जताकाश स्टोरी अब एक और टर्म टर्म आए आपके लिए समझने के लिए जताकाश क्या आप समझिए दीज आर दी प्रीवियस बर्थ स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध अलग अलग चाइनीज स्कॉलर आए इंडिया में विजिट करके गए फाहीन आएन सांग आए तो जब वो वापस गए और वो बुद्धिज्म से रिलेटेड थे बुद्धिज्म की स्टडी करने आए थे तो उन्होंने जो भी अपने अकाउंट्स लिखे उसमें इस केव के बारे में मेंशन किया फाहीन आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में यून सांग आए थे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में तो उन्होंने मेंशन किया इस केव की ब्यूटी के बारे में केव नंबर ट्वेंटी सिक्स जिस, जिसमें डिपिक्ट किया गया महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा एंड केव नंबर नाइनटी जिसमें नागा किंग और उसके कंसोर्ट है ये बहुत फेमस कल्चर है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल केवस है ऑफ दी अजंता केव और बाकी सारी जो बुद्धा और उनकी इमेजेज हैं अजंता केव्स में वो काफी अच्छी क्वालिटी को डिपेक्ट करती है जैसे कि बुद्धा का फेस काफी ज्यादा सेरेनिटी और डिग्निटी के साथ दिखाया गया जितने भी काव्स काविंग्स हैं इस कल्चर की उसका फेस बहुत एक्सप्रेसिव है वो फेस काफी कम्पने कम्पैशनेट और लविंग है जैसे नागा फिगर बनाए गए हरिति पंचिका बनाए गए बुद्धा पर निर्वाण बनाया गया बुद्धा टेम्पटेशन सीन बनाया गया ये सारे बहुत ब्यूटीफुली बनाए गए बहुत सुंदरता से बनाए गए दो तो से तीन स्टोरी की बिल्डिंग्स भी आपको देखने को मिलेगी पैलेस बालकनी कोर्ट रूम बेडरूम सब कुछ सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे सब कुछ बनाया गया केव्स के अंदर इस यूनिक तरीके से बनाया गया है कि अपने आप में जो पेंटिंग्स हैं वो 3D इफेक्ट देती है इस तरीके का इफेक्ट देती हैं कि आर्टिस्ट का एक तरीके से शोकेस करते हैं कि आर्टिस्ट का कितना कीन ऑब्जर्वेशन और कितने परफेक्टली उन्होंने बनाया था तो ये सारे फीचर्स की वजह से इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया इन 1983 इसके साथ-साथ आगरा फोर्ट और एलोवेरा केव्स के बारे में भी है कि इसी टाइम पीरियड में जोड़ा गया था उनको एंड ये जो सिलसिला है ये 1983 से स्टार्ट हुआ था और अब तक 40 प्लस साइट्स हो चुके हैं तो ये है अजंता केव्स जो लाई करती थी महाराष्ट्र में इसके बारे में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझने की कोशिश की कितने नंबर ऑफ केव्स हैं क्या मेन आइडिया है इन केव्स को बनाने का इन केव्स के अंदर क्या है मेनली हमने ये सारे फैक्ट्स को डिस्कस किया इस वीडियो में ऐसी और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी हमारे चैनल नॉर्थ ईस्ट पी पे तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को हमारा चैनल नॉर्थ ईस्ट पी को थैंक यू एवरीवन